ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਿਕਲੋਫੈਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਰਵ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਪਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਹਲ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਰਾਈਟ ਫੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਟਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਕ ਹੈ, ਬੋਟਮ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਨ ਆ? ਇਧਰ ਕਿੱਥੇ ਪੇਨ ਆ? ਸਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਰੱਖੋ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਵੇਰੇ ਸਰ ਕੱਲਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਚੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕੜ ਗਿੱਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਨੀਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਨ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ। ਸਾਹ ਛੱਡੋ, ਗਰਦਨ ਚੱਕੋ।
हल्का हल्का एक एक लाख चक्के ऊपर एक एक लाख चक्के नीचे कंपैरिजन दे आ थोड़ी हैवी लग रही है राइट साइड भी ठीक है पेन तो नहीं है कट गई सर कट गई नहीं मतलब दोनों चक्कर से बराबर ही फील हो रहा है या किसी से हैवीनेस तो नहीं है नहीं पेन तकरीबन चली गई 20% है नॉर्मल पहला फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब लेट करन ते नहीं फील हो रहा है और वॉक करोगे जितना वॉक करोगे उतनी जल्दी पेन चली जाएगी मतलब बेड रेस्ट नहीं करनी है इसमें नहीं पूरा बेड रेस्ट नहीं करना है रेस्ट करना है मतलब वह नहीं है कि कंटिन्यूसली घंटा लगे रहो बट कीप वॉकिंग दूसरा बैठो उठे बैठो बिना सपोर्ट तो खड़े हो उठे बैठो खड़े हो फिर बैठो फिर खड़े हो हम कंफर्टेबल फील होने बैठो उठने ठीक है अज आपां विजिट टू जिहड़ी तुहाडी हैगी है थेरेपी स्टार्ट करनी है ते फर्स्ट सैशन तो बाद हुण तुसीं की फील कर रहे हो तुहाडा की एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सैशन तो बाद मैं फर्क तो हैगा आ अच्छा जी पेन है ना मतलब 3-4 घंटे पेन बिल्कुल नहीं हुआ मतलब बहुत रेयर मतलब जब इत्थों गए सीगे 3-4 घंटे पेन हुई उस तो नहीं कट कोई नहीं पेन मतलब वो तो मतलब हुई नहीं नॉर्मल गया हूं बैठ के करूं ओके 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 फिर उस तो बाद मैं आइसिंग की थी 5-6 बजे अच्छा। आइसिंग तो बाद ना स्टेप जब हो गया सारा कुछ ओके उस तो बाद मैं तो खड़ा ही नहीं होया खड़ा होता सी पेन होता सी अच्छा मतलब सेम पोजीशन तो नहीं सीगी नहीं नहीं मतलब जड़ी राती 6 बजे तो बाद वो मैं ऐ लग रहा सी पहला नहीं पोजीशन हो गई मेरी पहला वाली हो गई हां जी बिल्कुल मैं ऐ लग रहा सी आइसिंग नाल ओ में हो गया सारा कुछ अच्छा ते राती फिर मैं उठा ही नहीं यार मतलब पैर उठदा सी फिर मैंने फील होता सी नहीं पेन होता सी मेरे अच्छा अच्छा जी ठीक है फिर मॉर्निंग उठा मैं थोड़ा मैं ठीक लगे मॉर्निंग ओके मतलब वॉक करके देखी मैं मॉर्निंग बेटर सी मैं मतलब पिछला मैं 10-15 किलोमीटर ड्राइव भी की गड्डी आज अच्छा अच्छा ठीक है मतलब ठीक सी मतलब मैं थोड़ा नॉर्मल पोजीशन बैग वास्ते लेट ही आया सी ओके पर थोड़ा टाइम मैं सीधा होके बैठ जाता सी मतलब बेटर फील कर रहे हो चलो कल नो बेटर रिस्पॉन्स और
ठीक है। कितना फील कर रहे हैं? काफी रिलीफ है। काफी रिलीफ। हाँ जी। चलेगी पेन ऑलमोस्ट? हाँ जी चलेगी बिल्कुल। बस नंबनेस आएगी लापता है। नंबनेस कोई नहीं। टाइम देना होगी चली होगी ते सेकंड सॉर्ट देने का काम होगी कर दांगे। एक और थोड़ी सेटिंग लास्ट होगी बस। हाँ जी नवजोत भाजी अज अपनी थर्ड विजिट है जी। हाँ जी ठीक है जी। तो कितना तुसी फील कर रहे हो पहली दो विजिट्स तो बाद? पहली दो विजिट्स बाद काफी फर्क है। काफी फर्क। मैं प्रॉब्लम है कि एक ना जो मतलब सेकंड फर्स्ट तो बाद में मेरे तो पेन होनी शुरू मान लो जिम्मे आप कहने खली पै गई। हाँ जी वो चीज होगी। हुण मैनू आ चीज थोड़ी थोड़ी सुन लग गई मैं काफ का मसला ना राइट तो। हाँ जी हाँ जी। तो जो मैं मॉर्निंग उठदा उदो मैं थोड़ी हल्की पेन होंगी बैक दे विच। हाँ जी उस तो बाद घंटे दो घंटे बाद चली जाती है पर वो मैनू ए चीज है थोड़ा बहुत रहिंदा है मान लो जिवें आ लत सोना सोना ठीक है। एक मैं सॉफ्ट बेड ते जिदन पै जांदा फिर बस वजह औखा होंदा थोड़ा टाइम सॉफ्ट बेड ते पैण तो सी स्ट्रिक्टली मना कीता सी वी तुसी फिर मैं मान लो रात नूं कई वार दो घंटे पै गए फिर मैं हार्ड ते पै जांदा। नहीं तुसी हार्ड ते ही पैणा क्योंकि तुसी दस रहे सी थोड़े कोल बेड भी स्प्रिंग वाला। हाँ जी ठीक है प्लीज उहनूं तां अवॉइड करो। वह तो पता की है एक प्लेजर वास्ते एक दो दिन पै गए चलो कदे पै गए रूटीन च कदे वह बेड रिकमेंडेड नहीं है। दूसरा मैनूं फिर मान लो सिद्धा पै के नींद नहीं आती दो घंटे बाद फिर कई बार माड़ा जा खुले वैसे ठीक शैटिका पेन किन्ना तंग कर रही है दर्द होगी लोअर बैक ठीक ठीक जिम्मे तुरंत च तकलीफ सी जिम्मे एक बार अपनी वॉक दिखाओगे जी प्लीज। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕ ਹੋਇਆ ਪਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ थोड़ी गर्दन ने ब्लॉक किया है बिकॉज तुम मेरा कहना नहीं मानते मुद्दे पैने स्टमक के बल पैने तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है हूँ इतों ब्लॉक होया होगा डेफिनेटली इतों ब्लॉक होया जो कि अगर पास आउट नहीं हो रहे ओके इजी लेफ्ट साइड हलाया लेफ्ट होल्ड कर रहे हैं लेफ्ट लो बंद हो गया मूवमेंट करो जी लेफ्ट दी चंगी तरह हल्का जा रहा है अच्छा राइट करें हो राइट भी हल्का है और थोड़ा एस टू एरिया देख दे जितने पेन होनी चाहिए बस 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 एस वन टू देखो आओ पीछे आई नहीं ओके एस वन ले लिया इतने नहीं गई पेन फिर
लगता है भी खुल गया, पेल्विक की फ्री हो गया। ऑक्सीपिट लिफ्ट दित्ती सी। हाँ। कितना पेन तुसी क्रॉस चेक करियो नवजोत भाजी? पेन क्रॉस चेक करो है? माइनर ही है वैसे तो, पर थोड़ा हल्का ही महसूस होता है लेग नो। लेग नो रिलैक्स होया? ऑक्सीपिट दी एडजस्टमेंट दे नाल। मुद्दे में करती हो रे। थोड़ा जा भाजी अवॉइड करो यार। हल्का लग गया। कैटबैक कर लो, कैटबैक। कैटबैक करे? ओपन कर क्या? हाँ, दबाओ। फिर, एल। देखो क्रॉस चेक करो किस तरीके चाहती सी थोनू, है ना? बस आई इधर मान लो आ चीज नु और देखो जो मैं नॉर्मल बैठ ही जाना पर तो इधर तक बैठा नहीं आंदा सी का। देखो करके देखो ना वही चीज जेड़ी थोनू, हां जेड़ी चीज थोनू तंग कर रही हो चीज करो प्रैक्टिकल। तुसी अपना चीज नहीं हुंदी सी वो करके देखो, तुसी करेक्शन लेन आए हो। देखो लेट अस नो केड़े पॉइंट ते पेन ट्रिगर हुंदी है। कंफर्टेबली कर रहे हो तुसी? हाँ जी। कोई टेंडर, कोई पिंच नहीं? क्लियर? बस इन्नी बेनती है, मुद्दे लेना छोड़ दो, साइड मूव कर लो, कवर फ्रॉम योर शोल्डर टू नेक जरा है क्या किलो लेके कवर करो, गर्दन केड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी ब्रदर, अपना आज थर्ड सेशन कंप्लीट हुआ। हाँ जी, तो सही हूँ कैसे फील कर रहे हो? चलो मैं तो काफी रिलीव है वैसे, मूवमेंट सारी मतलब बॉडी की किसी पार्ट की मूवमेंट इफेक्ट हो रही है। ओके। पेन नहीं हो रहा, बस जेडी प्रॉब्लम है मान लो सीधी मैं बस यही मैं जो लगातार मान लो यही नहीं दो तीन घंटे का नैप लाए कोई दिक्कत नहीं, पर जो मान लो मॉर्निंग 6-7 घंटे 8 घंटे जब तक लेट थी दोबारा उदा ही लगता कि रात सुनना है। ठीक है, यही प्रॉब्लम सही कर लो, पर हम थोड़ा मान लो ये चीज हैगी हाले भी सुन पर कट गया अगे कट गया रिड्यूस्ड है। हां जी कोशिश करो कि मुद्दे ना पाओ, मतलब ऑन योर स्टमक ना लाई करो, ऑन योर बैक या साइड वाइज ही सोवो, ज्यादा बेटर है। असि सारे नु यही रिकमेंड करते हैं क्योंकि लोअर बैक की पेन ट्रिगर होने का बहुत बड़ा कारण है। जो असि स्टमक दे वल लाई करदे आ ना मुद्दे पैंदे आ तां नैक एंड लोअर बैक ये दो चीजा जकड़िया जांदियां ने ते फिर यही अगे तंग करदियां ने। हुण इह पोस्चर बहुत मैटर करदा अपने एडजस्टमेंट्स दे विच, है ना? तो ये चीजा हुण जिहड़े थोड़े एंड ते ने इन्हां नूं तुसीं हुण अपने लैवल ते कंट्रोल करना। ठीक है जी, बाकी सैटिस्फाइड हो जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर।